आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मुक्ता गार्ती, बहुत दूर से इस वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए और इस मेरा यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया है। तो ये जगह अफ्रीकन कंट्री है, मादागास्कर। सो ये मादागास्कर का तमाटीव जो जगह है जहाँ पे मेरा एकोमोडेशन है। मैं यहाँ से करीब इस वीडियो में जो दिखाया गया है उतना एरिया में यहाँ पे ट्रैवल करके अपना जो ऑफिस है, जो अपना ट्रेनिंग एरिया है, वहाँ पे पहुँचता हूँ। सो डेली मेरा आना जाना यही रास्ता होता है। और मेरे को लगा कि डेली में आता हूँ जाता हूँ तो कम से कम एक वीडियो बना के डालो। तो मेरा फ्रेंड्स जितना भी मेरा व्यूअर्स है, सब सब लोगों को पता चलेगा कि यार ये जगह कैसा है। मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि वीडियो शूटिंग करना और फिर बाद में यूट्यूब में डालना, ये हमारा एक मेमोरी जैसा भी होता है। तो इसलिए मैं फिर ये वीडियो शूट किया है। तो अभी आप देखिए, एंजॉय कीजिए, कैसा लगता है आपको, जैसा लगता है आप कमेंट कीजिएगा नीचे, ताकि सबको अच्छा लगेगा और किसी को बुरा लगा होगा तो भी फिर मेरे को पता चलता है। और इस वीडियो में जितना भी मिस्टेक्स वगैरह हैं, कमी कमजोरियां हैं, जिसको करेक्शन करना चाहिए मेरी तरफ से, वो भी मेरे को पता चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो आप दिख रहा है कि थ्री व्हीलर्स मैक्सिमम यहाँ पे ज़्यादा चलता है। और रोड वगैरह अच्छा है, इतना मतलब बुरा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जितना भी अच्छा क्लीन जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये इसलिए है कि यहाँ पे क्लाइमेट का कोई पता नहीं चलता है। 5 मिनट की पहले आपको ऐसा क्लाइमेट मिलेगा तो फिर अगर आप बोल नहीं सकता है कि 5 मिनट के बाद क्या होगा, कि बारिश भी बहुत बड़ा बारिश भी हो सकता है। तो यहाँ का क्लाइमेट का हम कुछ नहीं बोल सकता है, फिर भी अच्छा है। क्लाइमेट वाइज बहुत अच्छा है, इतना गर्मी नहीं है और इतना बहुत ठंडी भी नहीं है। बारिश होता है फिर भी इतना ठंडी नहीं होता है, लेकिन बारिश ज़्यादा ही होता है यहाँ पे। तो जब बारिश नहीं होता है तो आप दिख रहे हैं कितना क्लीन दिख रहा है, जब क्लाइमेट आप दिख रहे हैं स्काई कितना क्लीन ब्लू दिख रहा है ना, इसीलिए फिर मैं डिसाइड किया कि आज यार एक वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो आप जहाँ से भी दिख रहे हैं कि कैसा लगता है आप जस्ट कमेंट कीजिए। और ये रहा पेट्रोल पंप, यहाँ का पेट्रोल पंप है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना, मैक्सिमम यहाँ का पेट्रोल भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे है, तो उसी प्रोजेक्ट में जब इसका फोल्डर तो ट्रेनिंग चाहिए होता है, तो फिर ये हम लोग को कांटेक्ट किया है, तो फिर अपना कंपनी मेरे को यहाँ पे भेजा है। तो ट्रेनिंग के लिए मैं आया हूँ एक्चुअली, ना कोई ट्रैवल करने के लिए नहीं है। फिर इसी मौके में मैं ऐसे वीडियो बना के, मतलब अपना मेमोरी भी होता है, इसके लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो फिर व्यूअर्स को भी मज़ा आता है कि यार कौन सा जगह कैसा है, कौन सा कैसा है, तो दिखने में भी मज़ा आता है। तो इसीलिए फिर मैं ये वीडियो बनाया है। अभी आप देख सकते हैं रोड काफ़ी अच्छा है, तो दूसरी तरफ जो बाउंड्रियाँ दिख रहे हैं ना, आप एक तरफ कम्युनिटी पीपल आदमी का घर वगैरह ऐसे प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ये दूसरी तरफ आप दिखेंगे तो यहाँ का रेल है ना, इधर का जो रेल है ट्रांसपोर्ट के लिए ना, मतलब ये लोड लेके जाता है, आदमी का ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोड इधर से उधर ऐसे ले जाता है। तो ये रेल का एक्सेस साइड रोड का बहुत साइड, दोनों साइड में बाउंड्रीज है, तो एक साइड में रेल हो गया, एक साइड में फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह है। आदमी आप देख सकते हैं बहुत बिजी आदमी लोग हैं, जैसा हम बहुत जल्दी में ड्यूटी जाने के चक्कर में रहता है, ऐसे ही ये आदमी लोग भी ड्यूटी जा रहे हैं, कोई ड्यूटी से आ रहे हैं, सही बस बिजी पीपल, एवरीवेयर पीपल आर बिजी। तो यहाँ पे थोड़ा जाम है,
क्यों यहाँ का रोड इस जगह में ना थोड़ा बहुत रोड खराब है, खड्डा हुआ है, तो डेली डेली एक ना एक गाड़ी यहाँ पे फंस जाता है, इसीलिए यहाँ पे शायद ये लोग कोई इसका कोई सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि मैं डेली यही रास्ता से जाता हूँ आता हूँ जाता हूँ आता हूँ, तो डेली मेरे को फील होता है कि यार ये जितना भी मैं सफर करता हूँ वो रास्ते में से सबसे प्रॉब्लम यही जगह में है। बारिश होता है तो फुल पानी वहाँ पे भरा हुआ रहता है, और ये देखिए टुक टुक, ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे, किधर से भी आप भाग सकते हैं, दिख रहे हैं ना वो किधर से जा रहे हैं, वो रोड नहीं है वो गार्डन है, वहां से जा रहे हैं लोग। तो मेरा ख्याल में आज भी ये जगह का रोड थोड़ा खराब है, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, रात को बारिश हुआ था, लेकिन सुबह सुबह अच्छा बहुत अच्छा क्लाइमेट हो गया है, लेकिन आफ्टरनून में फिर कोई भरोसा नहीं है ये कितना टाइम में कभी बारिश हो जाएगा इसके लिए ना। तो ये बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह आ रहा है, ये इसका आगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह है, कंपनीज वगैरह बहुत सारा कंपनीज है यहाँ पे, बियर फैक्ट्रीज भी है, तो हमारा गाड़ी का ग्लास भी आप देख सकता है, यहाँ पे भी थोड़ा बारिश हुआ है तो इसके लिए पानी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मेरा कैमरे को बाहर देख सकता है आप, थोड़ा पानी जैसे देख रहे हैं ना, तो ये बारिश की वजह से। ओके अभी ओपन हो गया, ये मोटरसाइकिल, यहाँ पे मोटरसाइकिल टू व्हीलर्स भी बहुत है, लेकिन मैक्सिमम ये जो लेडीज है ना स्कूटर ये लोग यूज करता है, स्कूटर हमारी तरफ क्या होता है कि लेडीज लोग ये ज्यादा यूज करता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आदमी के पास यही है, तो ये इजी भी होता है, लेडीज जेंट्स दोनों कोई भी चला सकता है, और सबसे ज्यादा इधर का किंग बोलेगा तो यही है, ये जो मेरा हमारा आगे जा रहा है टुक टुक, ये बहुत डेंजर है, बहुत हर जगह में यही मिलता है आपको, टुक टुक बोलता है इसको यहाँ पे, थ्री व्हीलर हम लोग भी इसको बोलता है टेम्पो, आई थिंक टेम्पो और समथिंग ऐसा बोलता है नेपाल में, लेकिन यहाँ पे इसको टुक टुक बोला जाता है। देखिए ये रोड खराब था इसीलिए इतना ब्लॉक हो गया था, लेकिन बड़ा बड़ा व्हीकल गाड़ी वगैरह आया हुआ है, तो कितना अच्छा दिख रहा है आगे आप देखिए, इट वॉज वेरी 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 फैंटास्टिक। और इससे आगे थोड़ा पुलिस स्टेशन है, देखिए चेक करता है या नहीं करता है, लेकिन यहाँ का पुलिस इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, चेक इतना ज्यादा चेक भी करता नहीं है। देखिए दोनों साइड रोड का बाउंड्रीज है, राइट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, तो लेफ्ट साइड में ये मादा रेल, इधर का रेल का लीक है वो, और रोड पूरा खाली है अभी, ओनली टुक टुक जाता है इधर से उधर, ये थ्री व्हीलर जाता है। अब देखिए ये नेक्स्ट पेट्रोल पंप है गोवा ना ऐसे कुछ नाम है उसका, पेट्रोल पेट्रोल पंप हो गया, ये वही कंपनी का ऑफिस, बड़ा ऑफिस है। रोड इतना खराब नहीं है यहाँ पे, कहीं कहीं जगह भी बहुत सारा खराब है, लेकिन ये जो रोड है कि ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है इसका आगे, इसके लिए आई थिंक ये रोड अच्छा है, वो लोग बनाया होगा नहीं तो गवर्नमेंट बनाया होगा, लेकिन ये रोड इतना खराब नहीं है, बहुत बड़ा रोड है, सिंगल लेन तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ऐसे डबल लेन में मिलेगा, लेकिन ये डबल लेन में भी थोड़ा अच्छा रोड है, सिंगल लेन है लेकिन इसमें दोनों साइड का गाड़ी चलता है, तो ये ट्रीज वगैरह आप देख सकते हैं, ये जो साइड में दिख रहा है ट्री, ये कोकोनट है, कोकोनट्स एप्पल्स और कॉफी वगैरह यहाँ पे हो जाता है। यहाँ से आ गया ट्रनिंग, ये भी एक बड़ा कंपनी है, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा टैंक्स, आई थिंक ये ऑयल कंपनी है कुछ है, और ये जो आगे आप दिख रहे हैं ना बहुत सारा रखा हुआ है, ये बेम्बोस, बेम्बो का बहुत सारा आइटम बना के ये लोग सेल करता है, जैसे बाउंड्री घर का बाउंड्री बनाना होगा किसी प्रॉपर्टी को आपको टेक करने के लिए बाहर से बाउंड्रीज वगैरह बनाने के लिए, वही जगह के लिए ये बना के रखता है,
और आप देख सकते हैं कितना क्लीन है ये सब सारा चीज। ये है क्या, अभी नेचुरल ब्यूटी बोलता रहता है, लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकता है ये क्या हो, क्या चीज़ होता है नेचुरल ब्यूटी। तो ये ग्रीन आप देखिए, यहाँ पे कोई पानी वगैरह डाला हुआ नहीं है, कोई खाद डाला नहीं है, लेकिन आप देखिए ये जो कोकोनट का वेल्स ट्री वगैरह कितना अच्छा है। लेकिन यहाँ का आदमी मालूम नहीं है क्यों इतना मतलब डेवलप्ड नहीं है आदमी, लेकिन जगह इतना मजबूत, बहुत अच्छा नेचुरल, इतना ब्यूटी है। देखिए ये कोकोनट ट्री पूरा ऐसे ही हो जाता है, तो हमारी तरफ कितना भी मेहनत करो ये होता नहीं है। और मैंगोज वगैरह या ऑरेंज वगैरह ये सारा चीज यहाँ पे होता है, और इतना महंगा महंगा चीज यहाँ होता है, ये सब ब्लैक पेपर हो गया, हम लोग कितना महंगा में खरीदता है अपना स्पाइसी से, लेकिन यहाँ पे बहुत सस्ता है। और कोका कोला जो होता है, उस जो कोका कोला बनाता है उसका दाना वगैरह यहाँ पे फलता है, हो जाता है इधर। तो आप देखिए ये ट्रक का लाइन यहाँ पे आगे एक बहुत बड़ा कोका कोला का फैक्ट्री है, और उसी फैक्ट्री में बहुत सारा चीज बनता है, जैसे ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कॉफी, लिप्टन्स वगैरह, इवन बियर्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, हर टाइप का जो पीने का चीज वगैरह सब कुछ बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ब्रांडेड सेफ्टी आइटम्स लाइक पीपी आइटम्स वगैरह भी सेल होता है यहाँ पे आगे। तो ये सारा चीज देखने में मेरे को मजा आता है। आप ये रोड के दोनों साइड में आप देखिए तो ग्रीन स्काई देखिए कितना क्लीन है, ये सारा चीज देखिए थोड़ा मजा ही आता है। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप भी मेरा ख्याल में ये वीडियो देखिए बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे। अगर आपको कुछ बोलना है इस वीडियो के बारे में तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट बिलो। एंड अगर आप इस चैनल में नया है, जस्ट आज आप देख रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ऐसे ही रिलेटेड वीडियो बहुत वीडियोज वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इस टाइप का वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं बाद में। तो आप देखिए इसका क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, मैं आगे अकेला था तो मैं खुद वीडियो शूट किया है, एक कैमरा भी अच्छा कैमरा है, वीडियो शूटिंग किया वाला जो कैमरा है ये गोप्रो हीरो 11 है, जो लेटेस्ट आया हुआ है नया अभी। तो अभी मैं जस्ट अपना ऑफिस में पहुंचने वाला हूँ, जो आगे से आगे में आपको दिख रहा है ना दो बिल्डिंग्स वगैरह ट्री वगैरह दिख रहा है, वही जगह मेरा ऑफिस है, वहीं मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। और हमारा कंपनी सीमेन इंटरनेशनल है, वो ऐसे ही ओल्ड का कोई भी पार्ट में जाके हम लोग ट्रेनिंग देता है, तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर अगर आप भी नया आदमी है और आप भी कोई कंपनी के लिए ट्रेनिंग दिख रहा है, कोई टाइप का ट्रेनिंग दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकता है, तो हम इसके बारे में भी आपके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत अच्छा, अभी मैं पहुँच गया, अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। इट्स मक्ट गार्डी एंड मेनी मेनी थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।